हरिद्वार में ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे के धरने को 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 8वें वर्ष में भी धरना लगातार जारी है। सिख समुदाय लगातार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार से गुरुद्वारा बनाने के लिए भूमि आवंटित की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की टीम भी गुरुद्वारे को लेकर हरिद्वार का दौर कर चुकी है, लेकिन अभी तक भी ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष हरजीत सिंह दुआन ने बताया कि राजनीति के कारण गुरुद्वारा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जिस जमीन पर हम गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं वह जमीन उत्तर प्रदेश के अधीन आती है। संत जगजीत सिंह ने बताया कि दोनों ही सरकारों से हमारी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारों को जमीन नहीं दी गई है। चार अक्टूबर 2023 में हमारे जो गुरु नानक नाम लेवा संगत हरिद्वार की और बाहर की सारी संगत मिला करके जो हमने 4 अक्टूबर 2016 को ये धरना शुरू किया था गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के लिए, और मुहिम तो बहुत पहले से चल रही, लगभग 35 साल हो गए हमें इस गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की प्राप्ति के लिए। तो धरने पर बैठे हुए आज 7 साल पूरे हुए उसी उपलक्ष्य में जहाँ धरना स्थल पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश किया गया और गुरुवार कीर्तन किया गया और गुरु साहब के चरणों में अरदास की गई कि गुरु साहब जो आजकल की तारीख पहले जाती थी उनसे हमने बात की, गुरु साहब के चरणों में उनके लिए भी प्रार्थना की और आज भी हमने प्रार्थना की कि गुरु साहब उनको सुमत बख्शिश करें और जो गुरु नानक देव जी महाराज जी का ऐतिहासिक स्थान है उसके लिए संगतों को मतलब सौंपें, जिससे कि संगत उस पर भव्य गुरुद्वारा